बड़ी खबर मिल रही है सिंगरौली से, जहां पर 100 फीट गहरे गड्ढे में एक मासूम गिरा है। जी हां, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बड़ी खबर, 100 फीट गहरे गड्ढे में मासूम गिरा है। आपको उम्र बता दें, 30 साल का ये मासूम बताया जा रहा है। जानकारी मिलने पर एसपी और डीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, साथ ही साथ बचाव दल भी इस वक्त मौके पर है। कोशिश की जा रही है कि मासूम को जल्द से जल्द सही सलामत सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो हमने देखा है कि हाल फिलहाल में कई दफा ऐसे मामले सामने निकल कर आए अलग अलग जगह से, जहां पर गड्ढे में बच्चे गिर जाते हैं और उसके बाद एक्शन को लेकर दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है उन दावों की पोल खोल रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, सिंगरौली से ये बड़ी खबर, 100 फीट गहरे बोरवेल में मासूम गिरी है, 30 साल की ये मासूम बताई जा रही है। हालांकि जानकारी मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर, और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। सर देखिए, कई दफा हमने देखा इस तरह के मामले सामने निकल कर आते हैं, एक्शन को लेकर बातें भी की जाती, लेकिन फिर से देखिए वही तस्वीर सामने निकल कर आई है। हालांकि देखिए, अभी मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपके पास ताजा अपडेट क्या है। तो चलिए दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें, सिंगरौली से ये बड़ी खबर, जहां पर 100 फीट गहरे बोरवेल में 3 साल की मासूम गिरी है और जानकारी दी गई, जिसके बाद बचाव दल इस वक्त मौके पर पहुंचा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्ची को बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि देखिए, चुनौतियां भी यहां पर सामने आने वाली है, चूंकि देखिए बारिश का वक्त है और साथ ही साथ अब अंधेरा भी होने लगा है। ऐसे में कई चुनौतियां भी यहां पर सामने निकल कर आएंगी। देखने वाली बात होगी किस तरीके से और कितनी देर में बच्चे को बाहर निकाला जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, कब और कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? ये सिंगरौली जिले के कसर गाँव की ये घटना है। ये घटना लगभग 4 बजे हुआ। उस वक्त ये हादसा हुआ जब बच्ची अपने पिताजी के साथ में खेत में गई थी और खेलने के दौरान वो 100 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरी। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का काम कर रहा है और अभी तक जो ताजा अपडेट है कि अभी बच्ची को बाहर नहीं निकाला गया। हालांकि प्रयास प्रशासन की लगातार जारी है, कोशिश यही है कि बच्ची को जल्दी से जल्दी बोरवेल से बाहर निकाला जाए। देवेंद्र, यहाँ पर चुनौतियां भी कई होंगी, चूंकि देखिए अब शाम का वक्त हो चुका है, अंधेरा भी होगा और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर भी जारी है। बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये बारिश का दौर जारी है लगातार और इसी बीच में एक बड़ा हादसा सिंगरौली जिले से सामने आया है, जहां पर ये बोरवेल में बच्ची गिरी है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, रेस्क्यू का काम जारी है और कोशिश यही है कि बच्ची को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। हालांकि चुनौतियां भी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने और टीम लगातार प्रयास कर रही है। जी देवेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि 4 बजे के आसपास का ये पूरा हादसा है और अभी 6:30 बजने को, यानी कि 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, बच्चे के मूवमेंट की अगर बात की जाए तो इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी, मेरी अभी जस्ट एसपी से बात हुई थी तो ये जो जानकारी मिली है कि अभी तक बच्ची तक जो है रेस्क्यू अभी किया जा रहा है, बच्ची तक अभी किसी तरह का मूवमेंट अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि जल्दी ही प्रशासन का दावा है कि बच्ची के मूवमेंट को पता लगाया जा सकता है। चलिए देवेंद्र, इस बड़ी खबर पर आप नजरें बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक भी अपडेट पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।